गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ प्रिया, आई एम योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम हिंदी में कर रहे हैं शब्द पर मात्रा लगाओ। हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और इनके नीचे कुछ लाइन ड्रॉ कर रखी हैं, मतलब कि हमें यहाँ पर मात्राएं लगानी हैं और हमें ये सोचना है कि कौन सी मात्रा आएगी। आ की मात्रा आएगी, ओ की आएगी, ए की आएगी या ई की आएगी। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, ल म ड़ी तो कोई शब्द नहीं होता, लोमड़ी तो कौन सी मात्रा आएगी, ओ की मात्रा। देखो यहाँ पर नीचे ड्रॉ भी कर रखा है, अंडरलाइन दे रखी है कि इस जगह मात्रा आएगी, तो कौन सी मात्रा हम लगाएंगे, ओ की मात्रा। लो म ड़ी लोमड़ी। नेक्स्ट देखेंगे पधा, अगर हम ई की मात्रा, पीधा ये भी नहीं बनेगा। देखो अगर इधर की है तो कौन सी मात्रा आ सकती है, यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा आएगी, पौधा। क्या बनेगा, पौधा, पौधा, पौधा। नेक्स्ट देखेंगे, अब स के नीचे कोई मात्रा लगनी है या फिर ऊपर कोई मात्रा लगनी है, तो देखो सरज, अगर ए की लगाते हैं तो सेरज कोई शब्द नहीं बनेगा, अगर ऊ की लगा देते हैं तो सूरज बन जाएगा, सू। अब देखो कौन सी मात्रा आएगी, लंबी लंबी आवाज़ आ रही है तो सू, बड़े ऊ की, सू र ज सूरज। नेक्स्ट देखेंगे लकी, तो इसमें कौन सी मात्रा आ सकती है, देखो यहाँ पर अंडरलाइन है तो यहाँ पर कोई मात्रा लगानी है, तो लॉ की, बड़े ओ की मात्रा, लॉ की, लॉ की। नेक्स्ट देखेंगे मात, और त के यहाँ पर कोई मात्रा लगेगी तो हमें जानना है कि कौन सी लगेगी, तो मात्र, त के पैर में र आ जाएगा, मा त र मात्र। गान, गाने, न के ऊपर मात्रा आ जाएगी, तो कैसे लिखेंगे हम, गा ने गाने। ऐसे ही मल, तो म के ऊपर मात्रा आएगी या नीचे आएगी, तो अगर ऊ की लगाते हैं तो मूल बन जाता है, पर हमें क्या लिखना है यहाँ पर, मैल, म पर बड़े की मात्रा, मैल, मैल। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पर मध्य लिखा हुआ है, अगर ए की लगाते हैं तो मध्य, ये भी कोई शब्द नहीं है, म ऊ की लगाते हैं तो मधु, मधु बन जाएगा, ये म धु छोटे ऊ की मात्रा आएगी, मधु। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे च द र, यहाँ पर मात्रा लगेगी, देखो यहाँ पर अंडरलाइन है तो चादर, क्या बन जाएगा, आ की मात्रा लगेगी, चा द र चादर। नेक्स्ट देखेंगे गमसम, तो गमसम कोई शब्द नहीं होता, गुमसुम होता है, तो ग के नीचे ऊ की मात्रा लगेगी और स के नीचे, गु म सु म गुमसुम। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे वृक्ष, व के नीचे आएगा र वृक्ष। देखो नेक्स्ट देखेंगे परी, हम लिखेंगे पूरी, पूरी, पपल, पीपल, बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, पी प ल पीपल। समचर, तो समचर भी कोई शब्द नहीं होता, तो आ की मात्रा लगेगी, स मा चार, स मा चा र समाचार। और लास्ट है हमारा नरज, तो क्या हो जाएगा, नी र ज नीरज। सभी बच्चे इसे लर्न करेंगे और इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, आपको शब्द पर सही मात्रा लगानी है जिससे वो शब्द पूरा हो जाए।
घर पर प्रैक्टिस करेंगे इन शब्दों की। थैंक यू।